सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर 12 बजे से। और आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी विलेज का टूर, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे अपनी विलेज का टूर करवाओ। पिछला मेरा जो चैनल था, पिछले वाला दीक्षु ब्लॉग जो हैक हो गया चैनल मेरा, उसमें भी बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, मतलब बहुत सारे लोग मेरे को बोलते थे। मैंने सोचा था कि वीडियो बनाऊंगी, पर मेरे को अब के उसमें न्यू चैनल में भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अपनी विलेज का टूर करवाओ। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की विश पूरी की जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपने विलेज का टूर। और इन सुंदर सुंदर पहाड़ों में बसे हुए मेरा गांव। भाई मेरा गांव इतना बड़ा तो नहीं है, कम से कम यहाँ पर 6-7 घर ही हैं। तो जो हमारा असली से पहले हमारा गांव बहुत बड़ा था, लेकिन सभी इकट्ठे रहते थे, मतलब वो नीचे जाके हमारे घर सभी, मतलब पर यहाँ पे स्लाइडिंग वगैरह हुई ना, इसके कारण फिर अलग अलग हो गए, थोड़े वहाँ पे चले गए, थोड़े ऊपर आ गए। हाँ, वो जो सामने वाला पहाड़ है, थोड़े लोग वहाँ जाना तो भी मुश्किल है, क्योंकि 2-3 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा। मैं तो नहीं जानी वहाँ का ब्लॉग, हम किसी अलग दिन बनाएंगे। पर जहाँ पर अभी हम रहते हैं फ्यूचर में, मतलब जो भी यहाँ पे हमारे घर का रास्ता यहाँ, मतलब ये वाले रास्ते के आगे जो भी 2-4-5-6 जितने भी घर है वो इसी रास्ते से आके होके जाएंगे, आगे स्टार्ट होंगे। विलेज का टूर करवाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मतलब कि पहाड़ में रहना भाई कितना मुश्किल होता है। यहाँ के खेत वगैरह जो भी हमें लकड़ी वगैरह करनी होती है वो कितनी मुश्किल से करनी पड़ती है। ये जो सामने देख रहे हो आप खेत, देखो कितने पतले पतले से खेत। इन खेतों में से अगर बंदा कोई, मतलब काम करते करते गिर जाए, अगर ध्यान से मतलब कोई काम नहीं कर रहा होगा, तो वो देखो नीचे कितने डेंजरस पहाड़ है, खाई में जाके सीधे ब्रेक लगेगी। वो देखो पहाड़ की हाइट भाई, मतलब हमें जो लकड़ियाँ वगैरह जो भी करनी होती है, देखो वो ऊपर ऊपर जाके वो कितने बड़े बड़े पहाड़ है, यहाँ से लेके आने पड़ती है लकड़ियाँ। और आप लोग सोच ही सकते हो भाई, मतलब कितना मुश्किल होता होगा। और गाइस, ये रहा हमारे विलेज का सबसे पुराना घर, और जहाँ पे सभी गाँव के मतलब जितने भी बंदे होते थे ना, सभी यहीं पे इकट्ठा होके बैठते थे। और क्या क्या, चलो चलो, शायद वो पुरानी पुरानी चीजें रखी होंगी या कुछ। वैसे हमारी विलेज में भी था ना घर एक पुराना, पर जहाँ पे मैं मतलब भाई वगैरह सारे हम रहते थे, हमें कुछ ही साल हुए उस वाले घर पे, पर वो इस वाले घर से बहुत बड़ा है यार, बहुत मतलब उसमें तो आप, तो आप यकीन नहीं मानोगे, इस घर में 25-30 बंदे इकट्ठे रहते थे। तो हमारे वाले घर में 50 बंदे रहते थे, आपको पता है। हाँ, वो तो हर शायद मेरे को लग रहा है, कहानी होती है वो तो है। इस वाले घर से भी शायद से मेरे को लग रहा है बड़ा और पुराना होगा, मेरे को ऐसे देखने से लग रहा है। चलो अंदर जाके देखते क्या क्या। दीक्षु क्या हुआ? मैं नहीं आने वाली अंदर भाई, मैं एक सेकंड के लिए, मेरे को अंदर अंधेरा है पूरा, मतलब डर लग रहा है। तो सोच लो पुराने जमाने में तो यहाँ पे लाइट वगैरह भी नहीं होती, तभी अंदर रहते का, बंदे। तब का टाइम अलग था ना, तब का टाइम अलग था और आज का टाइम अलग है। तो मैं तो चल रहा हूँ आपके साथ, अकेला छोड़ दिया है, मेरे को पता है कि आप भी। मैं नहीं, मैं डरता हूँ। अभी बोल रहे हो हमारा बचपन इसी घर में हुआ, कैमरा के सामने बोल रहे हो, मेरे को पता है। पर जो ऐसे, चलो अंदर चलो, फिर अंदर पहले आप चलो, आगे ठीक है ठीक। तो चलो दीक्षु आगे, चलो आप चलो, आ जाओ आप भी, चलो चलो मैं चलता हूँ फिर। मतलब अंदर इतना ज्यादा अंधेरा है ना, फ्लैश भी नहीं काम कर रही है मेरे ख्याल में। तो इस तरह से भाई यहाँ तो अभी बहुत बुरा हाल है, क्योंकि सफाई वगैरह भी नहीं की है। इस घर में सबसे लास्ट कौन रह के गया, कितना टाइम हो गया, ये देखो पूरा चूल्हा टूटा पड़ा है, टूट गया हुआ है ना। हाँ, ये रहा यहाँ की अलमारी है, इसमें हमारा पूरा अनाज वगैरह इसी में होता था। हाँ, मेरे को याद है। ये देखो भाई, ये कुछ इस तरह जाम से हो गए, वो देखो नीचे चावल भी है, अभी कितने सदियों पुराने हो गए ये। ये कुछ इस तरह से रहता था। तो चलो अभी पीछे ये अलमारी रखी हुई है जिसमें सामान वगैरह, ये आगे मतलब उस टाइम की गोदरेज अलमारी नहीं होती है। हाँ, तो ये भाई आपको पता है एक चीज, पता है क्या, कि मतलब इन मतलब आजकल की जो चीजें है ना, वो पुरानी चीजों के कंपैरिजन मतलब। हाँ देखो, अभी बिल्कुल सही, अगर इसको
रंग केत दिए जाए ना पेंट वगैरह तो बिल्कुल सही हो जाएगी। और यहाँ पे दीक्षु को मिल गया है पुराना खजाना। दीक्षु मेरे को लग रहा है ताला लगाए इसमें सोना वगैरह रखा। इसकी चाबियां क्या है, किसके पास, तोड़ना ही पड़ेगा ये। तोड़ना पड़ेगा, देखो इस हिसाब से कुछ तो रखा हुआ यार। ये पता है किस लिए था, मतलब उस टाइम मतलब बंदों ने बहुत ज्यादा पशु रखे होते थे, गाय वगैरह, तो बहुत ज्यादा। सुन ना मेरी बात सुन ले, बहुत ज्यादा दूध होता, घी वगैरह होता, मतलब कोई उस टाइम ज्यादा दूध वगैरह चोरी होता, घी वगैरह, मक्खन। इसमें खजाना लग रहा है पक्का, इसको नहीं, तोड़ के जाओ। खजाना नहीं हो सकता यार ऐसा मतलब। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर सेकंड वाले घर में, मतलब ये हमारी विलेज का ही हिस्सा है ये वाला घर भी। हाँ, जो मतलब ऊपर पुराने वाला घर था ना। हाँ, जो उनकी मतलब जितनी ज्वाइंट फैमिली थी पहले वो ऊपर ही रहते सभी पुराने घर में। हाँ, लेकिन जिन्होंने जो यहाँ पे रहते हैं उन्होंने यहाँ पे घर डाली और थोड़े जो है उन्होंने आज के टाइम में तो सारे लोग अलग अलग हो गए। हमारा अपना घर हो गया, इनका ये देखो अपना घर हो गया, मतलब बाहर सेटल हो गया है, कोई चंडीगढ़ में, कोई कहाँ पे, कोई कहाँ, सारे अलग अलग। और ये इसी घर के सामने वो देखो सेकंड वाला घर, इस वाले घर में भी अब कोई, ये पूरा का पूरा मकान मतलब खाली है, सभी नीचे, सभी मतलब नौकरी लगे है और उसके बाद सभी नीचे ये वाला में। और इस वाले घर में अब हम भाई को छोड़ेंगे, रह लोगे आप अकेले इस वाले घर में, कोई दिक्कत नहीं है। और आज के टाइम में देखो भाई, मतलब पहले के घर कैसे होते थे, लकड़ियों के, मतलब पुराने पुराने घर से, और आज के देखो मतलब पूरे लेंटर्स मेंट वगैरह डाल डूल। फाइनली गाइस ये रहे हमारे सबसे पुराने वाले घर जहाँ पे हमारे बुजुर्ग वगैरह रहा करते थे। लेकिन भाई यहाँ पे समय की ऐसी मार पड़ी ना कि आप नाम ही मत पूछो। जितने भी नीचे घर थे ना पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन यहाँ पे हुई एक भयानक स्लाइडिंग और जितने भी घर थे ना सारे के तहस महस हो गए। और कुछ लोग फिर उठ के ऊपर आ गए, आप सामने देख सकते हैं वो सामने वाला गांव जो है वो भी हमारा ही है। और जो कुछ सेकंड वाला और ये थर्ड वाला बहुत अच्छा किया जिस, मतलब जो और, यहां पे ऊपर सड़क में आ गए। और जो हमारे घर है ना मतलब ये थोड़े यहां पे आ गए, दो तीन घर यहां पे आ गए। और जो हमारे घर है वो आप ऐसे देख सकते हैं, मतलब ये सड़क का कंडा देख रहे हो ना आप, सड़क के किनारे किनारे ऊपर जाके ऊपर वाइट वाइट घर दिखाई दे रहा होगा आपको, वहाँ पे है हमारे घर। और वो हमारा पूरा का पूरा गाँव दीक्षु तीन भागों में बट चुका है। और जो भाई हमारे गाँव का ना जो मतलब पूरा फ्रंट व्यू आएगा ना, हाँ, हम यहाँ से नहीं ले सकते क्योंकि एक घर पार है, एक घर ऊपर। हाँ, वो सामने वाले पहाड़ से ले सकते हैं। हाँ, जो आप सामने बर्फ वाले पहाड़ी देख रहे हो ना वहाँ से मतलब पूरा का पूरा आपको बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे पूरा भाई भारत का नक्शा बना है। अभी तो मतलब फिलहाल हम जहाँ पे हम रहते हैं ना वो ही हमारा हुआ, वैसे तो ये सारा हमारा ही है, मेन जो है वो। कभी हम सामने पहाड़ी में जाएंगे तो पूरा पूरा दिखाएंगे किससे। अगर ड्रोन होता तब भी आ जाता, हाँ, ड्रोन भी नहीं है हमारे पास, नहीं तो हम तो चलो कभी सामने पहाड़ी में जाएंगे तो वहाँ से पक्का ब्लॉग कर डालेंगे। नीचे जो आपने स्कूल दिखाया प्राइमरी जो हमारे यहाँ, हाँ, मतलब वो देखो हमारे जो यहाँ के मतलब बच्चे वगैरह ना वो नीचे जाते हैं पढ़ने के लिए, वो देखो आप उस प्राइमरी स्कूल है ना देख रहे हो आप। तो अभी हम घर की ओर जा ही रहे थे, ऊपर से ये देखो भाई सामने यहाँ पर नानी बैठे हुए, वो मेरे को जोर जोर से आवाजें लगा रहे की इधर आ इधर आ, अभी मैं जाके देखती हूँ वो क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो भाई नानी का क्या काम चला हुआ है, मेरे को लग रहा है नानी मेरे को गप शप लगाने के लिए बुला रहे साथ में, है ना नानी। हाँ जी, बोर तो नहीं हो गए इधर बैठ बैठ के, हो गए वो। ये देखो भाई नानी की कलाकारी, नानी हाँ जी कैसे कर लेते हैं यार, ये तो बहुत टफ नहीं होता ये देखो। नाना आपका भेड़ बकरी, ये देखो भाई मतलब नाना नाना घर में नहीं होते और नानी ने कितना सारा काम संभाला हुआ है। नानी इसको बोलती क्या है, क्या बोलते हैं इसको, पट्टू बोलते हैं ना। हाँ हमारी लैंग्वेज में मतलब ये जो बन रहा है ना इसको बोलते हैं पट्टू, भेड़ बकरी के पास। हाँ मतलब ये ऊन से बनता है और इसको मतलब ये बहुत ज्यादा गर्म वगैरह होता है, हाँ मतलब बर्फ वगैरह में इसको आराम से दो चद्दर लेके आराम से सो सकते है ना नानी। नानी मेरे को सिखा दो ये, हाँ जी पक्का। आप कितने टाइम में सीख गए थे इसको, ये बस लग जाता है एक महीना, एक महीना, मेरे को तो एक साल लग जाएगा। मैं रोज आपके पास आऊंगी, मेरे को सिखा देना ठीक है भाई। आप लोग देख ही सकते हो कितना मुश्किल काम होता है ये देखो। इसके लिए जो सबसे पहले ऊन होती है वो काटनी पड़ती है, अब उसके बाद में बहुत सारा लंबा वाला प्रोसेस होता है तब जाके इसको करने के। नानी इसके एक सिलाई करने के लिए कितने पैसे लगते हैं, हाँ मतलब इसकी नानी अगर किसी दूसरे का करेंगे तो 700 रुपए ले लेंगे आराम से। अब मैं भी नानी से ये वाला काम सीखूंगी, नानी मेरे को पक्का पक्का सिखा देंगे, है ना नानी। और साथ में ये देखो
दो दो काम, बकरियां भी आराम से घास खाने लगी हुई है। दीक्षु विलेज टूर करवा ही रहे तो पनिहार को क्यों छोड़ना भाई? हाँ, ये तो सबसे जरूरी है ना, जीवन है हमारे। मतलब बुजुर्ग थे ना जितने भी, सभी यहीं से पानी लिया करते थे, पशु वगैरह सभी पानी यहीं पे पीते हैं। जो हमारा यहाँ के जाने जाने का रास्ता मार्केट को, जहाँ से यही रास्ता जाता है, ये वाला रास्ता है। मतलब बेचारे थक हार के जहाँ भी आते थे यहीं पे पानी पीते थे बेचारे। और आज के टाइम में देखो भाई, मतलब कोई कुछ भी नहीं यहाँ पे, मतलब कोई एक आधा डंगर वगैरह आता है ना, वो ही पानी पीता है। आज के टाइम में देखो सारे लोगों ने अपने अपने घर में मतलब पानी वगैरह का जुगाड़ रखा हुआ था। उस टाइम की बात ही अलग थी यार, मतलब सारे लोग साथ में इकट्ठा होकर बैठते थे। और यहाँ पर रहा एक और घर जो कि यहाँ पर हमारी चिकू जी का है, और साथ में अब ऊपर ऊपर अटैच बहुत सारे घर हैं। एक घर ये है, एक घर ये जो साथ में हमारा है। तो अभी मैं एक और घर में लेके जाने वाली हूँ। मेरे को बहुत हंसी आ रही कि मैं मतलब सारे लोगों के घर पे जा के वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पर ये देखो चाची, ये चाची बोल रही मेरे को मत लेके आना कैमरा में। ये मेरे सगे चाची हैं, और मतलब इस घर में दो तीन अटैच फैमिली रहती है, दो तीन चाचा वगैरह, मतलब दो रूम उनके हैं, दो उनके हैं। क्या बोल रहा है? बोल, तेरे को करनी है ब्लॉगिंग? फोन पकड़ना है? पहले हेलो बोल दे। हेलो, हाय, ओके बाय। अच्छा कर दे, अब लेना फोन लेना है, कर लेगा ब्लॉगिंग? पहले ऐसे बोल दे हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस बोल दे। और साथ ही में अटैच यहाँ पे दो घर ये भी हैं। और आप ठीक मेरे पीछे एक हल्का सा घर देख रहे हो, ये घर नहीं है, मतलब हमारे गांव की एक हल्की सी दुकान है जहाँ पर कि हमें ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती है भाई, मतलब इमरजेंसी में हमें जो भी चाहिए होता है। और भाई इसको देखो, तेरे को क्या करना है? वीडियो बनानी तेरे को भी हैं? ये जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ मेरे पीछे पीछे आया जा रहा है। तो ये था मेरा छोटा सा गाँव। मेरे गाँव में मतलब ज़्यादा घर नहीं है, 7-8 घर ही हैं। तो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा गाँव अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपको करना है मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट। और जिनको क्या करना है, चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब। हाँ, जरूर से प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब आपके साथ मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।